सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मुझे आया, मैं आया, अब आपको मालूम है कि पत्रकार हमारे माइक आगे लगा देते हैं, आपका क्या विचार है और राष्ट्र के नाम संबोधित करो, बोलना भी पड़ता है, मैं तो अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं आप सुनता हूं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये था कि आपने वो मनरेगा का पैसा, मनरेगा का पैसा देखिए, मतलब चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारा, हेड भी तुम्हारा, टेल भी तुम्हारा, ये कैसे राजनीति में चलेगा? अरे मनरेगा का 3 साल से हिसाब नहीं दिया, 3 साल से हिसाब नहीं दिया, और एक कमेटी भेजी तो एक जगह पर 57 लाख यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का वसूली मांगनी पड़ गई, और एक जगह भेजा तो 327 लाख का पेमेंट ही नहीं हुआ, 300 यानी 3 करोड़ 27 लाख का पेमेंट ही नहीं हुआ। आप बताइए हम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? आप बताइए नहीं। देखिए विरोध में नहीं, लेकिन ये राज्य चल रहा है क्या? ये कैसा राज्य है भाई? एक नेता थे, 10 साल से इनकम टैक्स नहीं दिए, तो पूछा गया, सुनिए, पूछा गया तो बोला मैं भूल गया। ये नेता जी, ये ममता जी भी 3 साल से भूल गई है क्या? मतलब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, आएगा कहां से भाई? रसीद देना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और जो बिना हिसाब दिए देगा तो गलत होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या चाहते हैं कि हमारी सरकार गलत काम करे क्या? गलत काम करे क्या? और जो गलत काम कर रहा है उसको रहने देना है क्या? तो ये आपका काम है कि जनता को बताओ, ये आपका काम है कि आप जनता को बताइए कि मोदी जी तो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन यहां आओ 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 विदाउट एनी अरेंजमेंट, विदाउट एनी डिस्बर्समेंट, विदाउट एनी, अपने टीएमसी कार्यकर्ता पहले कट मनी फिर फट मनी, जो मनी मिल जाए, केंद्र का मनी, मनी 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 चलने देना है क्या? प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों को समझा देना है कि मोदी है तो मुमकिन है, और पश्चिम बंगाल में भी कमल खिला करके दिखाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। इसलिए मित्रों बहुत सी बातें, मैं, मेरा बंगाल से विशेष लगाव है, मैं चाहता हूं कि बंगाल जिस जिस गौरवमय पोजीशन पर था उस गौरवमय पोजीशन पर पहुंचे। आज दुख होता है, आप बताइए कभी ये ईस्टर्न, ये When Bengal thinks today, India thinks tomorrow, था कि नहीं था? था कि नहीं था? आप बताइए ये कभी इकोनॉमी की कैपिटल थी कि नहीं थी? और आज क्या हो गया? आने वाला भी जाता है और जो थे यहां वो भी जा रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? अब इसको अगर आप देखेंगे तो हमको ये लगता है कि एक दुखदायी सिचुएशन यहां आकर के खड़ी हो गई है। मैं, हमारे साथ क्या हुआ, पोस्ट वायलेंस 12,000 केसेस बने, 80,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, हमारे 190 से ज्यादा कैंप्स लगे, बहुत लोगों के घर मकान उजाड़ दिए गए, बहुत से लोग घर में नहीं पहुंचे, हाई कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई को केस थमाओ, रेप केसेस हो गए, मर्डर केसेस हो गए, मोर देन 60 मर्डर केसेस हो गए। मैं अपना रोना नहीं रोऊंगा, हम लड़ना जानते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों को जेल में डालेंगे। आज सवेरे उठा तो देखा लालू जी आज कोर्ट में पेश होंगे। 25 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, और 20 साल बाद की तस्वीर बता रहा हूं मैं। पीसी और भाई को ये हर दिन पेशियों में मौजूद मिलेंगे, क्या आपने ध्यान रखा? ये देश नियम पर चलता है, ये कानून पर चलता है, किसी के विम्स और फैंसीज पर नहीं चलता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लिखा है दैट इन वेस्ट बंगाल इट इज नॉट द रूल ऑफ लॉ, इट इज द लॉ ऑफ द रूलर्स। समझ लो इस बात को। और आपको लगता होगा मैं तो कभी भूलता नहीं हूं, क्योंकि अंधेरे का उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरा याद रखना चाहिए, इसलिए हम तो याद रखते हैं, हमको तो मालूम है
आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने याद किया अपने 20 साल पहले की मेमोरी लेन में जाकर के। लालू बोलता था विधान भी हम ही है, संविधान भी हम ही है, आज पेशी में हाजिर भी हम ही है। तो ये नेचुरल प्रोसेस ही होगा। मैं किसी से दुश्मनी भी नहीं कह रहा हूं, मैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि आप समझो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर 53 मर्डर हुए हैं, 60 मर्डर हुए हैं, तो इसका जवाब प्रजातांत्रिक तरीके से इसका लिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रहने वाली है, इस बात को आप याद रखें। लेकिन मेरे सामने जो प्रश्न है, क्या बंगाल हम ये तस्वीर देखना चाहते हैं? 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ मर्डर इन इंडिया, हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, 3rd हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ वायलेंट क्राइम्स, और हमारी सीएम एवरी रेप घटना को बोलती है छोटो घटना हो। ये मुख्यमंत्री का बयान है। यानी रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होती होगी स्थिति, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और उसी तरीके से एज पर दी क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ 2019, 1069 केसेस ऑफ रेप एंड 944 इंसिडेंट्स ऑफ अटेम्प्ट टू रेप, ये वेस्ट बंगाल की तस्वीर है। 2019 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो कहना है, वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ किडनैपिंग ऑफ वुमेन केसेस, दैट मींस वुमेन ट्रैफिकिंग इज मैक्सिमम इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द डिग्निटी शेरे बंगाल, और ममता जी बंगाल की प्राइड, और ये है प्राइड, ये है बंगाल की तस्वीर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज टेकिंग प्लेस इन वेस्ट बंगाल। ऐसा बंगाल देखना चाहते हैं क्या आप? नहीं। इसको हमको समझना होगा। अगर मैं बात करूं, 9 साल में 4,00,000 करोड़ रुपए का डेट उठा लिया, वो 4 वाक का सिद्धांत, घी पियो, ऋण लेकर के घी पियो, मौज करो, कल किसने देखा, यही फिलॉसफी। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन नहीं दे रहे, और उसी तरीके से हाईकोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सारी चीजों को आपके सामने मैं, अब ये रामपुर हाट की घटना आपके ध्यान में है, बताइए ये 21वीं शताब्दी की घटना है, लगता है आपको कि अब 21वीं शताब्दी में है? लगता है जिंदे जला दिए जाए? मित्रों एक बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो आग से खेलता है वो आग में भस्म हो जाता है, ये कभी कोई बचता नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपने विचार को संभाल करके, समाज को सामने ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश हित को ध्यान में रखते हुए, बंगाल की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, प्रजातंत्र की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, हमको एक अच्छे सोल्जर और सिपाही की तरह आगे बढ़ना है। यश आपके नाम लिखा हुआ है, कोई ले नहीं सकता। आपने कभी सोचा था कि 2014 के बाद 3% से बढ़कर के आप 38% वोट पर पहुंच जाएंगे? आपने सोचा था कि 18 MP आएंगे? आपने सोचा था 77 MP आएंगे, और 77 में भी कोई जाना जाता तो उसको भी हमारे खाते में डाला जाता? मतलब तुम जाओगे तो जाओगे कहां, लौट के यही आओगे, ये हमको समझना होगा, इसको हमको जानना पड़ेगा। और इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ये धमकी धमकी ये सब थोड़े दिन चलता है, कट मनी ये सब, सबका धरा का धरा रह जाता है। आप मेरे से पूछोगे मैं 200 पॉलिटिशियन बना दूंगा आपको, जिन्होंने कानून को तोड़ने की कोशिश की और कानून ने उनको तोड़ के रख दिया। इस बात को याद रखना चाहिए, ये भारत देश है, ये प्रजातंत्र देश है, और इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूं, आप सब लोग अपने जगह पर डटे रहो, सिद्धांतों के साथ खड़े रहो, नियम के साथ खड़े रहो, अपने पूर्वजों से ताकत लो, अपने पूर्वजों को याद करते हुए बंगाल के प्राइड को शोर उस पर ले जाने के समझो, और उसमें जो कोई भी आपका साथ देना चाहता है उसको साथ ले चलो, और जो आपके विरोध में खड़ा होता है उसको ये कह करके छोड़ दो कि तुम कल हमारे ही साथ चलते हुए दिखोगे, ये हम जानते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, कारवां बढ़ेगा और हम इसमें सफल होंगे, ये हम कह सकते हैं।